I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. Thank you. Enjoy my party. दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली रोम में G20 शिखर सम्मेलन के बीच अब वो ग्लासगो पहुंचे हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में यूके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल ब्रिटेन प्रधानमंत्री मोदी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, बल्कि चरमपंथी संगठनों पे लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ी डील भी हो गई है, जिससे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए भी ये बड़ी खबर है और इसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है इजरायली के प्रधानमंत्री ने, तो यहाँ तक कि पीएम मोदी को अपनी पार्टी में शामिल कराने का भी न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है कि कैसे वो इसराइल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, यानी इसराइल में अगर कोई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने भी इसराइली पीएम को भारत आने का न्योता दिया है। तो दोस्तों, दो खबरें हम आपको बताएंगे कि कैसे अब न केवल यूएन बल्कि ब्रिटेन और यूएन दोनों प्रधानमंत्री मोदी की जेब में हैं, और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, पाकिस्तान में हो हल्ला मचा है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी भारत का डंका बज रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैसे भारत कदम बढ़ा रहा है, वो इस वीडियो में क्लियर कुछ पता चलेगा। और फिर इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पावरफुल लीडर और कह दिया कि आप इसराइल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और आप अगर चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी से तो इसराइल में आपकी सरकार बनेगी। तो क्या मोदी इसराइल से लड़ेंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत विरोधी चरमपंथी समूहों पर लगेगी लगाम, पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम के बीच बनी सहमति। भारत और ब्रिटेन अलगाववादी चरमपंथी संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने पर सहमत हो गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में इतर रविवार को संक्षिप्त द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान आतंकवाद के मुकाबले में और कुछ अलगाववादी संगठनों की चरमपंथी गतिविधि पर लगाम लगाने की जरूरत जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूप से रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं के सम्मेलन के पहले ही दिनों सोमवार को विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंखला ने संवाददाताओं से कई सवाल किए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो यह है कि भारत और ब्रिटेन के बीच कट्टरपंथ को लेकर बड़ी डील हुई है। आपको बता दें कि कट्टरपंथ को लेकर जो डील हुई है वो ये है कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा है कि अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले कुछ समूहों पर लगाम लगाने की ज़रूरत को महसूस किया गया है। उन्होंने महसूस किया है कि ऐसी अलोकतांत्रिक असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश विदेश सचिव ने विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन के घटनाक्रम की समीक्षा की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक यथार्थवादी जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी लक्ष्य का जिक्र करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के योगदान का जिक्र किया है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर, कट्टरपंथ को लेकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भी मानते हैं कि अलगाववादी संगठनों को सख्ती के साथ कुचलने की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच जो बॉन्डिंग देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अलग ही तरफ इशारा कर रही है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ही नहीं बल्कि भारत का जो एक विश्व गुरु का सपना वो कहीं ना कहीं साकार होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की, तो हुई ग्लासगो में जो कुछ बात हुई, और अब इसराइल पे बात करते हैं। दरअसल आपको बता दें, ग्लासगो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्तानी बेनेट की भी मुलाकात हुई है, और अब नफ्तानी बेनेट को जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने का निमंत्रण भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, या तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या तो इसराइल के प्रधानमंत्री, इन्हीं दोनों प्रधानमंत्रियों में से एक जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर हो सकते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट
इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। ब्रिटेन के ग्लासगो में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की मुलाकात बेहद खास रही। दोनों नेताओं ने दो दिन में दो बार भेंट की और बहुत ही गर्मजोशी अंदाज में एक दूसरे की ओर दिल खोलकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इसराइल कूटनीतिक संबंध के 30 साल पूरे होने के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया, जिसे प्रधानमंत्री बेनेट ने स्वीकार भी किया है। दोनों देशों के बीच 29 जनवरी 1972 को राजनीतिक संबंध शुरू होने के बाद से हर साल 29 जनवरी को इसकी सालगिरह मनाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इसराइल के पीएम हो सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बेनेट ने पीएम मोदी को कहा है कि आप जो है इसराइल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, आप हमारे इसराइल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, आपको हमारी पार्टी में शामिल होना चाहिए आप, ताकि इसराइल में हम जीत सकें तेज़ी के साथ, क्योंकि मेरी पार्टी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। दोस्तों, कई मौके आए इसके साथ, जिस तरीके से बॉन्डिंग देखी गई दोनों प्रधानमंत्रियों की, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा भारत और इसराइल की दोस्ती की तरफ कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोमेंट आया जब इसराइली प्रधानमंत्री नफ्तानी बेनेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपको जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए हमारी पार्टी से, और आप इसराइल में क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आप हैं, इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री मोदी का जो एक कहीं ना कहीं कार्य है, और वो अपनी कार्य कुशलता के जरिए पूरी दुनिया भर में छाए हुए हैं, और एक ऐसे डायनेमिक लीडर का विश्व बिरादरी लगातार स्वागत कर रही है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चाहे वो ग्लासगो समिट हो या फिर G20 समिट हो, दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्राध्यक्षों ने ज़ोरदार स्वागत करके वो सम्मान 125 करोड़ देशवासियों को जो मिलना चाहिए उसको वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला, और कहीं ना कहीं ये आप सबके जरिए ही हो पाया, क्योंकि आपने एक मजबूत लीडर हिंदुस्तान में चुना है जो भारत का प्रतिनिधित्व पीछे खड़े होकर नहीं बल्कि सीना तान करके मंच पे सबसे आगे खड़े होकर कर रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक लाइक तो बनता है। जिस तरीके से G20 समिट में जलवायु, आतंकवाद और ग्लासगो के इतर अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के साथ बैठ करके आतंकवाद के मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से आतंकवाद का जो फन है उसको कुचलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार और तत्पर जिस तरीके से दिख रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में आतंकियों का समूल नाश और समूल सफाया होगा। क्योंकि दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्तानी बेनेट ने भी भारत आने का निमंत्रण जो है वो स्वीकार किया है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप में अब जनवरी 26 जनवरी के दिन वो मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे, और वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने। आप भी सुनिए आखिर क्या कुछ नफ्ताली बेनेट ने कहा है, जिसका वीडियो जो है वायरल हो गया है। तो दोस्तों, You're the most popular person in Israel. Thank you. I'm enjoying my party.